साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबकी सेवा में पवन कोचिंग क्लासेस जौनपुर की तरफ से। साथियों हम लोग पढ़ रहे थे पवन, पवनों के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि पवनों के अंतर्गत हम लोग अस्थाई पवनों के अंतर्गत हम लोगों ने व्यापारी पवन को पढ़ा था, पछुआ पवन को पढ़ा था, ध्रुवी पवन को पढ़ा था। हमने बात किया था कि पवनें मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो है अस्थाई पवन, दूसरा है अस्थाई पवन और तीसरा है स्थानीय पवन, जिसमें किसी स्थान विशेष की बात होती है। तो मित्रों कल हम लोगों ने अस्थाई पवन के अंतर्गत इन तीनों पवनों को पढ़ लिया था। आज हम लोग जो है अस्थाई पवनों के अंतर्गत जिसमें दो प्रकार की होती है, एक तो दैनिक पवन जिनको हम लोग सामयिक दृष्टि से कहते हैं सामयिक पवन, तो दैनिक पवन और मौसमी। दैनिक पवन में समुद्री व स्थलीय समेत, दूसरा है पर्वतीय व घाटी समेत। मौसमी की बात कर लें जिसमें मानसूनी पवनें होती हैं, मौसम के अनुसार वो बदलती रहती हैं। तो आज मित्रों हम लोग जो है कुल मिलाकर के कहें अस्थाई पवनों के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद अगले वीडियो में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग जो स्थानीय पवनों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मित्रों अस्थाई पवन, कल हम लोगों ने अस्थाई पवन पढ़ा था। अस्थाई पवन का मतलब है कि ये पवन अस्थाई नहीं है। जिस तरीके से ये अस्थाई थी पवने, क्योंकि जो है उसी दिशा में उसी अक्षांश में चलती हैं, लेकिन ये पवने जहां पर चलती हैं ये अस्थाई नहीं है। क्यों अस्थाई इनका नाम पड़ा है? इसलिए कि ये अस्थाई नहीं है। इनमें हमने बात किया कि एक दैनिक पवन, दैनिक का मतलब जो दिन प्रतिदिन, दैनिक पवन। तो दैनिक में देख लीजिए, दैनिक पवन में होता क्या है कि दैनिक पवन अभी हमने बात किया कि जो है एक तो समुद्री समेत, समुद्री व स्थलीय समेत हमने बात किया अभी, समुद्री व स्थलीय समेत। देखिए मित्रों इसमें लिखा गया एक शब्द समीर, हम लोग पढ़ रहे हैं पवन, तो पवन और समीर में इतना अंतर है कि पवन में तीव्र गति होती है और जो समीर है इसमें गति जो है वो मंद होती है। तभी तो कहते हैं शीतल मंद समीर चल रही है। इसका मतलब जो हवा है या जो पवन है उसकी रफ्तार धीमी है, सुहावना है। तो इस तरीके से ये समीर कहा जाता है कि उनमें गति तीव्र नहीं है, मंद गति से चल रही है। तो यहाँ पर बात है जो दैनिक में आप देख सकते हैं कि समुद्री समीर या फिर स्थलीय समीर, कब समुद्री समीर चलती है कब स्थलीय समीर चलती है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिए आप लोग, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग समझेंगे भी। देखिए मित्रों ये हम लोग मानते हैं कि एक तरीके से ये है समुद्र, उसके बाद ये है स्थल वाला एरिया, ये है समुद्र और ये है स्थल। हम लोगों ने कल भी बात किया था पिछले वीडियो में, यदि आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जितने भी वीडियो हमने अपलोड किया अपने चैनल पर आप पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, जब आप पीछे का वीडियो देखेंगे तभी आगे का वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि हमने जो है पूरी तरीके से वहां पर डिटेल में बात किया है, एक एक बिंदु पर चर्चा किया है, तो उसी के अनुरूप अगला वीडियो है। तो अब यदि आप जो है पिछला वीडियो नहीं देखे हैं सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम डेली जो है एक न एक वीडियो जो है अपलोड कर रहे हैं आप लोगों की सेवा के लिए। तो मित्रों देखिए हम लोग ये बात करते हैं समुद्री समुद्र के बारे में, तो यहाँ पर क्या है, ये समुद्र है ये स्थल है। जो समुद्र से की तरफ, समुद्र से स्थल की तरफ चले या समुद्रों से जो हवाएं चलती हैं उसको समुद्री समीर, अगर ये स्थल से चलती है तो उसको क्या कहते हैं स्थलीय समीर। मान लीजिए ये समुद्र है तो यहाँ से जो हवाएं चलेंगी उसको समुद्री समीर कहेंगे, यहाँ से जो हवाएं चलेंगी उसको क्या कहेंगे स्थलीय समीर। तो ये मानते हैं सूर्य का प्रकाश है, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश दोनों जगह पड़ रहा है, दोनों जगह पड़ रहा है, स्थल में भी पड़ रहा है मानते हैं हम, और ये समुद्र में भी पड़ रहा है। हम लोगों ने कल बात किया था कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, उच्च वायु दाब से कहां की तरफ, निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं। क्यों चलती हैं हम लोगों ने बात किया था। तो अभी देखिए सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और सूर्य का प्रकाश दोनों जगह पड़ रहा है,
क्योंकि देखिए इसी पृथ्वी पर क्या है, स्थल भी है, इसी पृथ्वी पर सब कुछ जल भी है। तो ये समुद्र की बात कर रहे हैं और स्थल की बात कर रहे हैं, तो दोनों जगह यहाँ पर प्रकाश जो है बराबर पड़ रहा है। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि इनमें जो है तापमान अधिक कहाँ पर होगा, तापमान किस स्थान पे अधिक होगा। तो आप ये कह सकते हैं, हमने पहले ही बात किया था कि जो चीजें जितनी ठोस होंगी, जो चीजें जितनी ठोस होगी उतनी ही अधिक उष्मा को अवशोषित करेंगे, उतना ही गर्म होंगे। तो यहाँ पर देखिए धरातल है, धरातल पर पर्वत है, एक तरीके से पठार है, मकान है, बिल्डिंग है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही जल्दी उष्मा को अवशोषित कर लेंगे और ये जल्दी हीट हो जा रही है। तो यहाँ का तापमान मित्रों क्या होगा, यहाँ का तापमान, स्थल का तापमान बढ़ जाएगा। यदि यहाँ का तापमान बढ़ गया, कहाँ का, स्थल का, स्थल का तापमान बढ़ गया, तो इसका मतलब है यहाँ पर तापमान बढ़ गया है और पहले से सूर्य का प्रकाश भी पड़ रहा है, तो यहाँ की हवाएं क्या करेंगी, ऊपर उठ जाएंगी, हवाएं ऊपर उठ गई। यदि हवाएं ऊपर उठ गई, तापमान अधिक है, हवाएं ऊपर उठ गई, और इसका मतलब है यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर हवाएं ऊपर उठ गई तो लो प्रेशर का निर्माण होगा, यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण होगा। और यहाँ पर क्या है, अपेक्षाकृत धरातल से ये देर में गर्म होगा, तो इसके कारण क्या है, यहाँ पर हवाएं ऊपर नहीं उठी हैं। क्यों, अपेक्षाकृत यहाँ की हवाएं ऊपर नहीं उठी हैं, तो यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होगा, ये हाई प्रेशर रहेगा अपेक्षाकृत स्थल के। जब यहाँ पर हाई प्रेशर है तो हमने बात किया हवाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं, हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो इसका मतलब है कि जो ये हवाएं मित्रों वो हाई प्रेशर से कहाँ की तरफ चलेंगी, लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। तो कुछ इस तरीके से चलेंगी, जैसी हवाएं यहाँ से चल रही हैं, यहाँ से चल रही हैं तो ये तो ठंडी हवाएं हैं, ये ठंडी हवाएं हैं, लेकिन जैसा यहाँ तापमान बढ़ा है इस जगह पहुंचती हैं, हवाएं पुनः गर्म हो जाती हैं, ये भी हवाएं गर्म हो जाती हैं, यहाँ से चलती हैं तो ठंडी हवाएं, यहाँ पहुंचते पर ये गर्म हवाएं हो जाती हैं और पुनः ये ऊपर उड़ जाती हैं, मुड़ने के बाद ऊपर चली जाती हैं संवहनी तरंगों के रूप में, फिर ये जो है उच्च अक्षांशों की तरफ कहें या फिर जो हाई प्रेशर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से यह एक वायु पर संचरण चलता रहता है। अब प्रश्न मित्रों यहाँ से ये आता है कि जो समुद्री समीर है वो कब चल रही है, सूर्य का प्रकाश जब है, इसका मतलब जो सूर्य का प्रकाश है तो यहाँ दिन है, तो दिन में जो है कौन सी समीर चलती है, दिन में जो है वो समुद्री समीर चलती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं दिन में समुद्री समीर कब चलती है, दिन में, तो दिन के बाद रात भी होगा। आइए इसको समझ लेते हैं, देखिए मानते हैं कि इस तरीके से ये जो है समुद्र है और ये स्थल है और सूर्य का प्रकाश है नहीं, क्योंकि यहाँ पर रात की बात है। तो यहाँ देखिए यदि ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर पृथ्वी पर भी पड़ा था और समुद्र पर भी पड़ा था, रात के समय में ये जितनी ठोस है क्योंकि यहाँ से पार्थिव विकिरण जो दीर्घ तरंगों के रूप वापस सूर्य की तरफ चली जाएगी तो ये जल्द से जल्द ठंडा हो जाएगा, तो अपेक्षाकृत ये ठंडा रहेगा। कौन सा, अस्थलवाग ठंडा रहेगा। और आप ये जानते हैं कि जो जल होता है उसमें गुप्त ऊष्मा शक्ति होती है का मतलब कि यहाँ पर जो है ये देर से गर्म हुआ और देर से भी ठंडा होता है और ये स्थल जो है बहुत ही जल्द गर्म हो जाता है, बहुत ही जल्द ठंडा हो गया। दिन में तो अपेक्षाकृत बहुत ही गर्म हो गया लेकिन रात में बहुत ही जल्दी ठंडा हो गया। अब यहाँ जो गुप्त ऊष्मा के कारण यहाँ का जो तापमान है वो तापमान मित्रों यहाँ पर तापमान अधिक रहेगा। अब यदि यहाँ पर तापमान अधिक है यहाँ की हवाएं क्या करेंगी, हवाएं ऊपर उठ गई तो यहाँ पर कैसा प्रेशर का निर्माण होगा, यहाँ पर एक तरीके से लो प्रेशर का निर्माण होगा।
यदि यहाँ पर हवाएं ठंडी हैं तो यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण, अर्थात यहाँ पर उच्च वाय दाब और यहाँ पर निम्न वाय दाब। हमने पढ़ा है कि हाई प्रेशर से हवाएं हमेशा कहाँ चलती हैं, लो प्रेशर की तरफ। तो ये ठंडा है तो यहाँ से जो हवाएं मित्रों स्थल की तरफ से चल रही हैं वो कहाँ की तरफ चलेंगे, स्थल से समुद्र की तरफ चलेंगे, स्थल से समुद्र की तरफ चल रही हैं। जब ये हवाएं यहाँ से चल रही हैं तो ये हवा यहाँ ठंडा है, लेकिन जैसे ही समुद्र के ऊपर से आए और आने के बाद ये गर्म होकर के फिर क्या है, समान धारा के रूप में ऊपर चली जाएगी और इस तरीके से फिर ये किस तरफ मुड़ जाएगी, हाई प्रेशर की तरफ मिल जाएगी, जहाँ पर ठंडी वहां पर। तो इस तरीके से यहाँ भी वायु पर संचरण चलता रहता है, लेकिन मित्रों ये कब चल रहा है, स्थल से समुद्र की तरफ, अर्थात स्थलीय समय जो है वो रात में चलती है। तो यहाँ से दो प्रश्न बन जाते हैं, समुद्री समीर दिन में चलती है और स्थलीय समीर वो रात में चलती है। मित्रों यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब देखिए अगला जो इसमें था अस्थाई पवन में, हमने बात किया दैनिक में, वो हुई कि पर्वती और घाटी समीर में। अगर हम मान लेते हैं ये पर्वत है और कहीं ना कहीं ये घाटी है, फिर ये मानते हैं पर्वत है, क्योंकि दो पर्वतों के बीच में देखिए ये घाटी है, यहाँ पर नदी भी है तो तमाम चीजें रहती हैं, जंगल भी रहता है। तो ये एरिया हम मान के चलते हैं ये है घाटी और ये है पर्वत। देखिए मित्रों अब बात यहाँ पर आ गई दिन की बात, कि देखिए दिन में कहाँ से कहाँ पर्वतों से जो है चलती है हवाएं या घाटी से। सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है मित्रों कहाँ पर पड़ रहा है, ये पर्वत है, पर्वत की चोटी पर पड़ रहा है। तो हमने अभी बात किया कि जो चीजें जितनी ठोस रहेंगी उतना ही ऊष्मा को अवशोषित करेंगी। तो यहाँ पर देखिए पर्वत जो है क्योंकि ऊंचाई पर भी है और बहुत जल्द से जल्द हीट हो गया, गर्म हो गया, तो इसके गर्म होने के कारण यहाँ पर जो वायु है वो क्या है ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठने के कारण यहाँ पर होगा क्या, एक लो प्रेशर का निर्माण होगा, क्या होगा, लो प्रेशर का निर्माण हो जाएगा और यहाँ पर जो है एक तरीके से जो है जो घाटी है यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश बहुत देर पहुंचता है, कहने का अपेक्षाकृत यहाँ पर पर्वत के, तो यहाँ पर लो प्रेशर है तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा। अब आप समझ सकते हैं कि जो ये घाटी समीर है ये देखिए कहाँ से चल रही है, जो घाटी से चलती है उसको घाटी समीर, तो हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही हैं, तो क्या होगा ये यहाँ पर ये होगा घाटी समीर। घाटी समीर दिन में चलती है, घाटी समीर दिन में, घाटी समीर जो है मित्रों घाटी समीर दिन में चलती हैं। अभी आपने देखा क्यों, क्योंकि तापमान में विभिन्नता के कारण, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर बन जा रहा है पर्वतों पर, तो यहाँ से घाटी से वायु जो है कहाँ की तरफ चलेगी, वो वायु चलेगी लो प्रेशर की तरफ। ठीक है मित्रों, तो इसका मतलब ये अगर लो प्रेशर की तरफ से चल रही है तो ये हवाएं कैसी होंगी, इस तरीके से यहाँ पर अगर जो हाई प्रेशर है तो निश्चित तौर पर तापमान कम है, यदि यहाँ पर तापमान कम है तो जो हवाएं होंगी वो ठंडी हवाएं होंगी। इसी के कारण जब पर्वत की चोटी के आसपास आप जाएंगे तो नीचे से फॉग की तरफ आपको हवाएं आती हुई दिखाई पड़ेंगी, वो हवाएं क्या होती है, घाटी हवाएं या घाटी समीर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से मित्रों अब देखिए ये एक प्रकार से देख लिया जाए कि रात का समय अगर आ गया, रात का समय आ गया और रात के समय आप देखेंगे कि रात के समय यहाँ पर सूर्य नहीं है, लेकिन आप ये देखिए पर्वत की ऊंचाई अधिक है, पर्वत की ऊंचाई अधिक होने के कारण जब यहाँ पर दोनों ठंडा हो रहे हैं तो जितना यहाँ पर ऊष्मा थी, क्योंकि यहाँ नदी भी है, झरने हैं, झील हैं, तो अगर यहाँ पर कुछ भी है या पेड़ पौधे हैं तो यहाँ पर एक तरीके से गुप्त ऊष्मा शक्ति जलने भी होती है, उसके अकॉर्डिंग पर्वत की चोटी को पेशे ये जो है निचले स्तर पर है, तो जब यहाँ पर देखेंगे पर्वत बहुत ही जल्दी रात में ठंडा हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, तो ये ठंडा होने के कारण अगर ये ठंडा हो गया और ठंडा होने के कारण यहाँ पर जो है एक तरीके से हाई प्रेशर होगा, हवाएं निचले स्तर पर रहेंगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया, लेकिन इसकी अपेक्षा घाटी में क्या है लो प्रेशर बना रहेगा, तो यहाँ पर लो प्रेशर रहेगा।
आप देख लीजिए हवाएं कहां से कहां तरफ चलेगी, हवाएं इस तरीके से चलेगी कि कहां से पर्वत से घाटी की तरफ। तो आप कह सकते हैं जो पर्वत से घाटी की तरफ, पर्वत से घाटी की तरफ कौन सी हवाएं चलेंगी, पर्वती, इसीलिए इसको कहते हैं पर्वती समीर। बट कब ये चलेंगे मित्रों, रात में चलेंगे। ये कब चलेंगे, दिन में चलेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा आप लोग जो है याद रखिएगा, ठीक है मित्रों, हमेशा आप लोग याद रखिएगा। इसको कहते हैं मित्रों कटा। देखिए जब ये ऊपर से आ रही है, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर आबादी है, यहाँ पर आबादी है घाटी में, कोई वहां पर आवासी है, तो आवास अगर है घाटी में, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है, तो यहाँ से ठंडी हवाएं आ रही हैं, क्योंकि ज्यादा आवास करके घाटियों में हो सकता है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र से जब हवाएं आ रही थी ठंडी है एक, तो दूसरी बात ऊपर है वो, यहाँ तो बर्फ जमी होगी, तो इस कारण से जो हवाएं आती हैं वो अति ठंडी होती हैं, और ठंडी होने के कारण इसको कटाबैटिक क्या कहते हैं, कटाबैटिक, इसको कहते हैं कटाबैटिक हवाएं। क्यों कहते हैं कि क्योंकि यहाँ से जो हवाएं आने लगती हैं बहुत ही तीव्र, क्योंकि ये जर्मन भाषा में इसको कहते हैं मित्रों, जर्मन भाषा में इसको कहते हैं कटावैटिक ब्रिज, कटावैटिक पवन, कटावैटिक समीर। तो कटावैटिक कौन, पर्वती समीर को कटावैटिक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो घाटी समीर है इसको अनकटावैटिक कहते हैं, अनकटावैटिक कहते हैं मित्रों। ये दो बातें आप लोग याद रखिएगा, कभी कभार जो एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि अनकटावैटिक किसे कहते हैं, कटावैटिक किसे कहते हैं। तो इस तरीके से मित्रों ये दैनिक समीर की बात रहे। उसके बाद हमने बात किया अभी मानसूनी, मानसूनी समीर जो है ये मानसून के ऊपर निर्भर रहता है, मौसम के ऊपर निर्भर रहता है। देखिए अगर अभी हमने बात किया कि स्थल पर जो है जो समुद्री समीर है, वो समुद्री समीर जो है दिन में चलती है, और स्थलीय समीर जो है वो रात में चलती है। इस परिप्रेक्ष्य से अगर आप देखें जो मौसमी समीर है या मौसमी पवने हैं, मौसमी पवने सदैव जो है वो जो है ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों में जो है वो समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं, छह माह मौसमी पवने, आप कह सकते हैं 6 माह ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर, और ये बात कर रहे हैं हम 6 महीने ग्रीष्म ऋतु जो है ये कहाँ चलते हैं, मौसमी पवने 6 माह ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर, और 6 माह शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं। आइए इसको समझ लेते हैं कि कैसे ये जो है स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं और समुद्र से स्थल की ओर चलते हैं। चलिए अगर हम भारत में रह रहे हैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, ताकि इससे कुछ और प्रश्न हम लोग निकाल सके। देखिए एक तरीके से ये दक्षिण भारत है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ये दक्षिण भारत है, और ये कुछ इस तरीके से भारत का नक्शा रहा। तो आप ये समझ सकते हैं ये हिंद महासागर है, और ये हिंद महासागर का ही पार्ट है, अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। अगर दिन की बात है तो सूर्य का प्रकाश, अभी हमने बात किया कि यहाँ धरातल पर या भारत के क्षेत्र में या फिर धरातल पर यहाँ पर जो है उष्मा अधिक रहेगी दिन के समय में, अकॉर्डिंग तो जो है यहाँ सी के अपेक्षा समुद्र के अपेक्षा यहाँ पर जो है गर्मी अधिक रहेगी, तो यहाँ की हवाएं जो है ऊपर उठेंगी। कहाँ की हवाएं, इस धरातल की हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण होगा। यदि यहाँ पर हवाएं ऊपर उठ गई, लो प्रेशर का निर्माण हो गया, तो हवाएं कहाँ से चलेंगी, समुद्र से कहाँ की तरफ चलेंगी, स्थल की तरफ चलेंगी। बट कब चलेंगी, देखिए कब चलेंगी इसको आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा कि ये इक्वेटर है, ये धरती है, एक तो कर्क रेखा है, दूसरी ये मकर रेखा। अगर इसको मान लेते हैं विषुवत रेखा है, ये मकर है, ये कर्क रेखा है।
आप 21 मार्च को जो है दिन रात बराबर होता है, सूर्य किस पे चमकता है, सूर्य जो है यहाँ पर रहता है विषुवत रेखा पर, तभी तो दिन रात बराबर होते हैं। लेकिन 3 महीने बाद सूर्य जो है अप्रैल मई जून यानी कि जून 21 जून को जो है कर्क रेखा पर चमकता है, तभी तो अपने यहाँ जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। फिर उसके बाद क्योंकि सूर्य उत्तरायण हुआ, फिर जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर 23 सितंबर को जो है मित्रों, 23 सितंबर को फिर जो है सूर्य जो है दक्षिणावर्त हुआ। अब जो है 23 सितंबर को भी दिन रात बराबर, 21 मार्च को, 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन रात बराबर हुआ। उसके बाद से सूर्य जो है फिर जो है दक्षिणावर्त हुआ तो 22 दिसंबर, दिसंबर में आया क्योंकि सितंबर बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में 22 दिसंबर को जो है सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, अर्थात मकर रेखा पर या दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो 21 जून को होता है। तो हमारा जो हमारे देश से जो है कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, इसका मतलब 21 जून को जो है सूर्य सीधा कहाँ, भारत के बीचों बीच चमकेगा। भारत के बीचों बीच अगर चमकेगा तो यहाँ पर तापमान अधिक होगा, गर्मी का समय रहेगा, गर्मी का समय रहेगा इसका मतलब यहाँ पर जो है लो प्रेशर के कारण यहाँ से हवाएं हाई प्रेशर से अर्थात समुद्र से जो है वो जो है अस्तर की तरफ चलेंगे। जब समुद्र से अस्तर की तरफ चल रही हैं तो ये पवने क्या है, एक तरीके से यहाँ से जब आएंगे तो आर्द्रता लेती हुई आएंगे, आर्द्रता लेती हुई आएंगे मित्रों, तो ये क्या करेगी, तो ये केरल का जो क्षेत्र है, केरल के क्षेत्र में एक है मालाबार तट पर जो है ये बारिश करेंगे क्योंकि यहाँ से आर्द्रता लेकर आई और यहीं पर ये बारिश करने लगी। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है मौसमी पवनों के अंतर्गत कि जो है भारत में सर्वप्रथम बारिश कहाँ होती है, तो केरल राज्य में होती है। किस तट पर होती है, तो वो मालाबार तट पर होती है। लेकिन मित्रों ये मानसून जो है हमने अभी बात किया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून दो प्रकार के हैं भारत में, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व। अब देख लेते हैं कौन सा मानसून है, अगर ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कौन सा मानसून है, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले भारत में दस्तक देता है, इसका मतलब 21 जून अगर यहाँ पर तापमान अधिक हुआ है कर्क पर, इसका मतलब जब धीरे धीरे उत्तरायण हो रहा था तो जून के फर्स्ट वीक में आसपास केरल के आसपास जो है टेम्परेचर बहुत अधिक रहा होगा, तो हवाएं तीव्र गति से यहाँ चली, इसका मतलब जो है जून के फर्स्ट वीक में जो है वो केरल के मालाबार तट पर जो है बारिश हो जाती है। उसके बाद मित्रों जो है जैसे जैसे जो है सूर्य जो है क्या होता है दक्षिणावर्त होता है तो यहाँ पर तापमान कम होता है। जब तापमान यहाँ से कम होगा तो क्या होगा, आप इधर समझ सकते हैं हिमालय क्षेत्र है, तिब्बत का पठार है, तो यहाँ पर जो है जब दक्षिणावर्त हो गया सूर्य, दक्षिणावर्त होने के कारण मतलब आप ये समझ लीजिए कि अब दिसंबर माह चल रहा है, तो दिसंबर माह में जो है दिसंबर में यहाँ पर जो है दिसंबर में जो है शीत ऋतु होती है, तो यहाँ पर कैसा होगा, अब यहाँ पर जो है हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। लेकिन आप जैसे आप जाएंगे दक्षिणावर्त या दक्षिण गोलार्ध की तरफ, यहाँ जो समुद्र है यहाँ पर जो है लो प्रेशर बनेगा और यहाँ पर समुद्रों में तापमान अधिक होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जब तापमान अधिक होगा तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठ गई, ऊपर उठने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर बन गया मित्रों, और लो प्रेशर के कारण यहाँ से जो है अब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आई, और लो प्रेशर की तरफ आते वक्त बंगाल की खाड़ी से, देखिए मित्रों ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं आर्द्रता लेकर के आती हैं, और संपूर्ण भारत में नहीं बल्कि ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है यहाँ पर तमिलनाडु से अवरोध के रूप में यहाँ पर टकरा करके इस क्षेत्र में बारिश कर देती है। किस क्षेत्र में, ये तमिलनाडु का एक है तट कोरोमंडल, कोरोमंडल कोरोमंडल तट पर किस मौसम में, शीत ऋतु में, कहें तो जो है सर्दी में जो है यहाँ पर जो है बारिश होती है। तो प्रश्न पूछता है ग्रीष्म ऋतु में कहाँ पर बारिश होती है, मालाबार तट पर केरल राज्य के, और शीत ऋतु में कहाँ पर बारिश होती है, वो कोरोमंडल तट पर जो कि तमिलनाडु में है मित्रों, तमिलनाडु में है। तो आप ये समझ सकते हैं लेकिन भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है मित्रों वो
अरब सागर में आप देख रहे हैं, ये तो जो है सबसे ज्यादा वर्षा अरब सागर मानसून, अरब सागरी मानसून अर्थात दक्षिण पश्चिमी मानसून से ज्यादा वर्षा हो जाती है। लेकिन ये जो शीत ऋतु में वर्षा हो रही है आप देख सकते हैं वो कौन सा है, उत्तर पूर्वी मानसून। इसको क्लियर कर देते हैं, तो दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्म ऋतु में और उत्तर पूर्व जो है ये शीत ऋतु में, ये मित्रों शीत ऋतु में चलती है। तो ये कहाँ पर चलती है, ये चलती है मालाबार तट पर। कहाँ पर है ये, केरल में। और ये शीत ऋतु में कहाँ चलती है, कोरोमंडल तट पर। ये कहाँ पर है मित्रों, ये है कोरोमंडल तमिलनाडु। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये मानसूनी पवने हैं, जो मानसूनी पवने हैं किस प्रकार से भारत की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। ये वाला जो क्षेत्र मित्र पड़ता है भारत का भूगोल जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग जो है इसको जो है बहुत ही व्याख्यात्मक रूप से इसका अध्ययन करेंगे कि मौसम किस प्रकार से भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से मित्रों आज का जो अस्थायी पवन का जो टॉपिक था समाप्त हुआ। अगली टॉपिक में हम लोग फिर मिलेंगे जो स्थानीय पवन है उनके साथ, उसके बाद जो पवन का ये चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों अब अगले वीडियो के लिए आप वेट करिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।